का हमारा टॉपिक है ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स एंड ग्लैंड्स, ग्लोबुलर ट्राइकोम्स रिलीज, एक सेकेंड, ट्राइकोम्स देखिए, ट्राइकोम्स आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, तो ट्राइकोम्स होते हैं ये एपिडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ होते हैं। देखिए किसी भी एपिडर्मल सेल से ये आउटग्रोथ के फॉर्म में बाहर अराइज हो रहे हैं, ये ट्राइकोम्स होते हैं। अदर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, ट्राइकोम्स एंड ग्लैंड्स, ग्लोबुलर ट्राइकोम्स रिलीज कंपाउंड्स दैट आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट। देखिए ये ग्लोबुलर शेप का बना हुआ है, यहाँ पर ये एपिडर्मिस की सेल से बनी हुई आउटग्रोथ है और शेप क्या है, ग्लोबुलर है, तो ये कई बार ग्लोबुलर ट्राइकोम्स भी बन जाते हैं। और ये ट्राइकोम क्या करते हैं, कुछ है ना कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जो नेचर में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, विषैले होते हैं। और ये क्या होते हैं, सिक्रेटरी हेयर्स भी कहते हैं इन्हें हम। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। ये एपिडर्मल हेयर्स कहते हैं इन्हें हम, ये देखिए शेप्स में वेरी करते हैं ये, तो अलग अलग प्लांट स्पीसीज में इनका शेप अलग अलग होता है, तो काफी वेरी करता है। ट्राइकोम्स अ हेयर लाइक और ब्रिस्टल लाइक आउटग्रोथ एज फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ ए प्लांट, तो किसी भी प्लांट की एपिडर्मिस से जब भी कोई हेयर की तरह, जैसे हेयर होते हैं और ब्रिस्टल होते हैं, उसकी तरह जो आउटग्रोथ विकसित होती है, इस आउटग्रोथ को हम ट्राइकोम कहते हैं। मेनी शेप्स एंड साइजेस दैट डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज, तो इनके शेप और साइज बहुत अलग अलग होते हैं और ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज में इनका शेप और साइज अलग अलग होता है। तो जैसे फर्स्ट है यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स, सिक्रेटरी ट्राइकोम्स, रूट हेयर्स आर स्पेशलाइज्ड ट्राइकोम फाउंड ऑन रूट्स, तो रूट के ऊपर जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं वो भी एक तरह के स्पेशलाइज्ड ट्राइकोम का ही एग्जांपल है। नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स अफेक्ट लोकोमोशन, अटैचमेंट, शेल्टर, फीडिंग, डाइजेशन एंड ओविपोजिशन ऑफ इंसेक्ट एंड द इफेक्ट डिपेंड ऑन द डेंसिटी, लेंथ एंड शेप ऑफ ट्राइकोम। तो ट्राइकोम्स मेनली क्या है, इसका वर्क देखिए अलग अलग एनिमल में देखेंगे तो अलग अलग इसकी वर्क है। ये किसी में तो क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये किसी इंसेक्ट को अटैच करने में हेल्प करता है, कहीं ये शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, फीडिंग में हेल्प होता है, डाइजेशन में, एग प्रोडक्शन में, तो अलग अलग देखिए इंसेक्ट और इनमें इनका यूटिलाइजेशन अलग अलग। तो ये डिपेंड करता है कि ट्राइकोम का शेप कैसा, उसकी लेंथ कैसी और डेंसिटी कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। लॉन्ग हेयर्स नॉट ओनली इम्पैड मूवमेंट बट ऑल्सो प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्रॉम रीचिंग द लीव सरफेस टू फीड ऑन, तो जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं ये सिर्फ मूवमेंट तक ही सीमित नहीं है, ये क्या करते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको लीव की सरफेस पर पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं ताकि वो उस पर आसानी से फीड कर सकें। ट्राइकोम्स हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑन इंसेक्ट बिहेवियर ओवर द लीव सरफेस, तो जैसे ही लीव सरफेस पर अगर इंसेक्ट पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होता है, ट्राइकोम्स का बेसिकली उसकी बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए ये सिंपल इम्पेडेंस होते हैं, फिजिकल ट्रैपिंग बाय हुक्ड हेयर्स, स्टिकीनेस कॉज्ड बाय एक्सिक्यूट्स फ्रॉम द ग्लैंडुलर ट्राइकोम। तो देखिए अलग अलग ट्राइकोम्स होते हैं, जैसे हुक शेप का ट्राइकोम होता है, एक हेयर होता है तो वो फिजिकल ट्रैपिंग का काम करता है, कुछ में क्या होता है कि ग्लैंडुलर ट्राइकोम होते हैं तो कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो इंसेक्ट इजीली उस पर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है वो, तो ये बिहेवियर डिपेंड करता है वो किस तरह का है। अब ग्लैंडुलर ट्राइकोम में देखिए, ग्लैंडुलर ट्राइकोम आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वैस्कुलर प्लांट्स, तो जितने भी वैस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें मेनली ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं दैट एक्सुड गमी स्टिकी और पॉलीमराइजिंग केमिकल मिक्सचर्स दैट सेवरली इम्पैक्ट्स द इंसेक्ट्स एबिलिटी टू मूव, फीड एंड और सर्वाइव। तो इन ट्राइकोम्स के थ्रू जो भी ये केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट हो रहे हैं, ये गम जैसे भी हो सकते हैं, स्टिकी भी हो सकते हैं और पॉलीमराइज नेचर के भी होते हैं, और इनका मेन वर्क क्या होता है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं
उनको को मूवमेंट कराना, उनको फीड में फीडिंग में हेल्प करना, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करना, तो इनका बेसिकली वर्क ये होता है. अ नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ द सोलेनम लाइकोपर्सिकन निकोटियाना एंड मेडिकेगो स्पीसीज. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, इनके अलग अलग स्पीसीज है, आर पर्टिकुलरली एडेप्ट इन प्रोड्यूसिंग स्टिकी लीफ एक्सिक्यूट. तो इनकी जो लीव्स होती है, इनकी लीव से क्या होता है, कुछ स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है. तो ये अलग अलग प्लांट्स हैं. इन सर्टेन वाइल्ड पोटेटो स्पीसीज जैसे सोलेनम पॉलीएंडिनियम, तो ये देखिए सोलेनम की भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है. इनके थ्रू भी क्या होता है, एक्सुडेट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द फोर लॉब्ड हेड ऑफ द ग्लैंडुलर हेयर. तो इसमें जो ग्लैंडुलर हेयर्स जो पाए जाते हैं वो फोर लॉब्ड होता है, और तो कैसा होता है, हेड बन जाते हैं तो फोर लॉब्ड हेयर होता है. और इसके थ्रू क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं. व्हेन एफिड्स माइजस पर्सिकाए और मैक्रोसिफम मैकेनिकली रप्चर द सेल, वो तो जैसे ही अगर सेल वॉल रप्चर हो जाती है मैकेनिकली, तो ये क्या होते हैं, एफिड जो होते हैं इनके हेयर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज एक्टिविटीज आर एग्जिबिटेड बाय द ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स और सोलेनम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड्स इन ग्लैंडुलर एग्जुगेट. तो ये जितने भी ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है इनमें क्या होता है, ये कुछ फिनोलिक सब्सटेंसेस सिक्रीट किए जाते हैं इनके थ्रू. ये एक्टिविटी होती है इनकी, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, पेरोक्सीडेज एक्टिविटीज है, तो ये ट्राइकोम्स के थ्रू होते हैं पर्टिकुलर इन प्लांट्स में. डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, देखिए इनमें क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे ट्राइकोम है, न्यूमेरस बोथ कवरिंग एंड ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट. तो कई प्लांट्स में क्या होता है, उसकी एपिडर्मिस पे कई सारे ट्राइकोम्स पाए जाते हैं. तो ये क्या करते हैं, उसको कवर भी होते हैं, कवर्ड भी रहते हैं और ग्लैंडुलर भी होते हैं. ग्लैंडुलर मतलब जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, जैसे ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं. कवरिंग ट्राइकोम क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, पॉइंटेड एट वन एंड. तो ज्यादातर ये जो हेयर लाइक ट्राइकोम होते हैं ये वन सेल थिक होते हैं, ओनली सिंगल सेल होती है इनमें, और थोड़े से कर्व रहते हैं ये, और पॉइंट पर, एक पॉइंट पर क्या होता है, थोड़े से पॉइंटेड रहते हैं ये. एंड एनलार्ज एंड कंटेन सिस्टोलिथ, और इनमें सिस्टोलिथ पाया जाता है. ग्लैंडुलर ट्राइकोम क्या होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम आर प्रेजेंट. तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम देखिए दो तरह के होते हैं. ये देखिए ट्राइकोम का एक एग्जांपल दे रखा है, डायग्राम दिया हुआ है. ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम है, इसका डायग्राम. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उनके शेप हैं. ट्राइकोम्स और टर्पिन्स देखिए लिपिड बेस्ड हैं, एसेंशियल ऑयल कार्टिनोल एंड कैम्फोर मेंट्स मेथनॉल मेथोल मेंथोल एंड पायरेथ्रीन्स. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है देखिए, जो लिपिड बेस्ड हैं. ये देखिए ट्राइकोम्स है, हेयरी ट्राइकोम्स. अब प्लांट्स लीव्स एंड स्टेम मे बी कवर्ड विथ शार्प स्पाइंस और ट्राइकोम्स. तो ये देख रहे हैं अब ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स की ये लीव्स में देखिए बेस से ये देखिए स्पाइंस निकले हुए हैं, शार्प स्पाइन. कहीं पे ये देखिए हेयरी स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं. ये सारे ट्राइकोम्स के एग्जांपल है. स्लो डाउन हर्बीवोरस बाय फीडिंग, तो देखिए फीडिंग में हेल्प करते हैं हर्बीवोरस प्लांट्स के. एड इरिटेशन, ये इरिटेशन में भी हेल्प करते हैं. देखिए हेयर्स स्टक इन माउथ. ये सारे ट्राइकोम्स के एग्जांपल है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, 3D डायग्राम है इनके. तो ये ट्राइकोम था. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा. स्टोमेटा से आप वेल नोन है, स्टोमेटा जो प्लांट्स में पाए जाते हैं. देखिए
डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, अ स्टोमा कैन डिफाइन एज अ टाइनी अपर्चर जनरली फाउंड इन द एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स। जैसे अभी आपने लीव्स की एपिडर्मिस पे क्या देखा था, ट्राइकोम, ऐसे एपिडर्मिस में कुछ ओपनिंग पाई जाती है, नेचुरल ओपनिंग, जो नेचुरल ओपनिंग होती है नहीं, हम स्टोमा कहते हैं। और नंबर ऑफ स्टोमेटा वेरीज विद द प्लांट ऑफ डे, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में स्टोमेटा का नंबर भी वेरी करता है। इन द एडेक्सियल लीव सरफेस द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर यूजली लेस इन क्वांटिटी। तो लीव की जो एडेक्सियल सरफेस होती है उस पर स्टोमेटा थोड़े से नंबर में कम होते हैं, जबकि एबेक्सियल सरफेस पर ये ज्यादा होते हैं। स्टोमा रिजेंबल द माउथ, ये माउथ की जैसे रिजेंबल करता है, विच ओपन एंड क्लोज बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो गार्ड सेल के मूवमेंट पे डिपेंड करती है, तो गार्ड सेल के मूवमेंट पर ही इसकी ओपनिंग और क्लोज होना डिपेंड करता है। देयर इज वन और मोर स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल एडजेसेंट टू द गार्ड सेल। तो देखिए, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में सबसे मेन तो दो किडनी शेप की सेल्स होती है, गार्ड सेल कहते हैं हम, और गार्ड सेल से कुछ दूसरी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो निकलती हैं, इन्हें हम एसेसरी सेल या सब्सिडरी सेल कहते हैं हम। तो स्टोमेटा जो है लीफ पर तो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की स्टेम, फ्रूट्स, स्टेमेन, पेटल और गाइनोशियम पे भी पाए जाते हैं ये। इनमें क्या होता है, रूट सिस्टम लैक्स द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा रूट सिस्टम पे नहीं पाया जाता, कारण जानते हो आप, सॉइल में होता है, वहां पे डार्क होता है, तो स्टोमेटा हमेशा अबव सरफेस पे पाया जाता है। अब देखिए, स्टोमेटा कंट्रीब्यूट टू 1 to 2% ऑफ द लीफ एरिया व्हेन इट इज ओपन। अगर ये ओपन होगा तो उस समय ये लीफ का कम से कम 1 to 2% एरिया को कवर कर लेता है। इट कैन इंक्लूड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट ये स्ट्रक्चर होते हैं। द शेप ऑफ द स्टोमेटा इज जनरली कैसा होता है, जनरली इलिप्टिकल होता है, ये जनरली तो इसका शेप इलिप्टिकल होता है, बट ये अलग अलग प्लांट स्पीसीज में वेरी करता है। इसका साइज व्हेन द स्टोमेटा इज ओपन, जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तभी इसकी साइज को हम मेजर कर सकते हैं, और इसके जो चौड़ाई होती है वो 3 to 12 mm होती है, और लेंथ जो होती है 10 to 40 mm तक होती है। गार्ड सेल, देयर आर टू स्पेशलाइज गार्ड सेल, दो स्पेशलाइज गार्ड सेल होती है, और इन डोर्सीवेंट्रल लीफ, जो डोर्सीवेंट्रल लीव्स होती है उनमें गार्ड सेल पजेस द किडनी शेप्ड। तो याद रखिएगा, जो डोर्सीवेंट्रल लीफ होती है उसमें जो गार्ड सेल होती है वो किडनी शेप होती है, जबकि जो आइसोबाइलेट्रल लीव्स होती है उनमें डंबल शेप होती है ये। इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल सराउंडिंग द स्टोमेटा इज जनरली थिक वॉल्ड। जो स्टोमेटा की जो इनर वॉल होती है, हमेशा याद रखना, वो थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है वो, वाइल द रेस्ट ऑफ आउटर लेयर सराउंड गार्ड सेल इज थिन वॉल्ड। जबकि जो बाहर की जो लेयर होती है गार्ड सेल की, वो क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है और फ्लेक्सिबल होती है, और साथ में सेमी परमेबल होती है। और इसमें क्या होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग होती है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, और कुछ क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो ये गार्ड सेल्स में ये डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट इन गार्ड सेल आर नॉन फंक्शनल। जो गार्ड सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, और रिजल्ट इन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एज दिस लैक एन एंजाइम रुबिस्को। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, जो रुबिस्को एंजाइम जो होती है उसकी शॉर्टेज होती है, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम होती है। सब्सिडरी सेल्स जो गार्ड सेल्स को कवर किए रहती है, एपिडर्मिस सेल, उन्हें हम सब्सिडरी सेल कहते हैं, और इन्हें हम एसेसरी सेल भी कहते हैं। ये सेल क्या करती है, मेनली क्या होता है, इसका वर्क गार्ड सेल को के मूवमेंट में हेल्प करती है, कि गार्ड सेल की ओपनिंग है, क्लोजिंग है। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है ना, जनरली ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये सब्सिडरी सेल के द्वारा, यानी एसेसरी सेल्स के द्वारा। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक लेयर। इसमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म की लेयर होती है, एक सेंट्रल वैक्यूल होती है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, बट क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है। अब स्टोमेटा के टाइप्स, तो यहाँ पे 4 types के स्टोमेटा होते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी लीव पर लोकेशन के बेस पर है कि लीव पर स्टोमेटा कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। एपिस्टोमेटिक का क्या मीनिंग है, इन दिस टाइप स्टोमेटा फाउंड ओनली इन द अपर सरफेस ऑफ लीव। तो जब स्टोमेटा सिर्फ लीव के ऊपर के सरफेस पे पाए जाते हैं,
तो इस तरह के स्टोमेटा को हम एपिस्टोमिक स्टोमेटा कहते हैं। और ये एग्जांपल है वाटर लिली। अब देखिए हेट्रोस्टोमेटिक में क्या होगा, इन दिस टाइप स्टोमेटा फाउंड इन लार्ज नंबर ऑन द लोअर सरफेस। तो लीफ की लोअर सरफेस पे पाए जाने वाले स्टोमेटा जो होते हैं उन्हें हम हेट्रोस्टोमेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल है पटेटो एंड कैबेज। आइसोस्टोमेटिक में क्या होता है, इसमें स्टोमेटा लीफ की अपर और लोअर दोनों सरफेस पे क्या रहते हैं, इक्वली पाए जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ये। तो दोनों ही सरफेस पर जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं स्टोमेटा, तो इस तरह के स्टोमेटा को हम आइसोस्टोमेटिक स्टोमेटा कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्रासेस और ओट्स। एस्टोमेटिक में क्या होगा, जिसमें क्या होंगे, लीफ के अपर और लोअर सरफेस दोनों पे स्टोमेटा पाए ही जाते हैं, क्योंकि ए देखो ए स्टोमेटिक, तो स्टोमेटा इनमें क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। तो ज्यादातर एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, तो ऐसे प्लांट में क्या होते हैं, स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पर जो स्टोमेटा होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं मीजोगाइनस, पेरीगाइनस। तो देखो मीजोगाइनस का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट वेयर द गार्ड सेल एंड द एसेस्टी सेल डेवलप फ्रॉम द आइडेंटिकल और सिमिलर मदर सेल। जब भी स्टोमेटा में गार्ड सेल और एसेस्टी सेल का डेवलपमेंट एक सिंगल या सिमिलर मदर सेल से होगा हमेशा, तो इस तरह का जो स्टोमेटा होता है उसे हम मीजोगाइनस कहते हैं। ज्यादातर ये ब्रैसिकेसी के मेंबर्स में पाया जाता है। ये पेरीगाइनस में क्या होता है कि इसमें इट इज अनदर टाइप ऑफ स्टोमेटल डेवलपमेंट वेयर बोथ द गार्ड सेल एंड एसेस्टी सेल डेवलप फ्रॉम द डिफरेंट मदर सेल। तो जब दो अलग अलग मदर सेल से गार्ड सेल्स का और एसेस्टी सेल का डेवलपमेंट होता हो, तो इस तरह के स्टोमेटा को हम पेरीगाइनस कहते हैं। और गार्ड सेल्स जिस मदर सेल से डेवलप हो रही है, तो एसेस्टी सेल जो है उसके पास वाली मदर सेल से डेवलप होगी, तो सेम मदर सेल से कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली के एग्जाम्पल। मीजोपेरीगाइनस, इसमें क्या देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोमेटल डेवलप विच को रिलेट्स विद बोथ मीजो एंड पेरी। तो जिसमें मीजो और पेरी दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इन मीजोपेरीगाइनस द गार्ड सेल एंड वन एसेसरी सेल डेवलप फ्रॉम द सिंगल मदर सेल। तो गार्ड सेल और एक एसेसरी सेल का डेवलपमेंट तो सिंगल मदर सेल से होता है, जबकि क्या होता है जो अदर जो एसेसरी सेल है उसका डेवलपमेंट किससे होता है, उसके पास वाली जो नेबरिंग सेल है उससे होता है। तो यानी इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल है ब्रैसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में। अब जो स्टोमेटा है इनके स्ट्रक्चर के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इनके स्ट्रक्चर के बेस पर ये सेवन टाइप्स के स्टोमेटा होते हैं। फर्स्ट होता है एनिमोसिटिक, दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो रेफर एज रेनन कुलस स्टोमेटा। तो मेनली क्या होता है, जो रेनन कुलसी फैमिली में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उन्हें हम एनोमोसिटिक कहते हैं। और एनोमोसिटिक स्टोमेटा सराउंडेड बाय द सब्सिडी सेल जनरली इन अ इरेगुलर फैशन। तो जो इस तरह के स्टोमेटा में क्या होता है कि जो सब्सिडरी सेल जो होती है वो इरेगुलर मैनर में अरेंज रहती है, कोई इसका एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है और नहीं उनका नंबर भी फिक्स होता है। तो इस तरह का जो होता है एग्जाम्पल है ये रेनन कुलेसी या मालवेसी में पाया जाता है। एनाइसोसिटिक में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो रेफर क्रूसीफर्स पेरस्ट स्टोमेटा। तो क्रूसीफेरी में जो पाए जाते हैं मेंबर में स्टोमेटा वो इस टाइप के स्टोमेटा होते हैं एनाइसोसिटिक। और एनाइसोसिटिक स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल जनरली अनइक्वल इन साइज एंड देयर आर थ्री नंबर। कहने का मतलब है गार्ड सेल पर तीन सेल्स होंगी एसेसरी सेल, और तीनों का साइज, तीनों का शेप कैसा है, साइज अनइक्वल है। तो इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं वो एनाइसोसिटिक कहलाते हैं और इस सोलेनम और निकोटियाना में पाए जाते हैं। पेरासिटिक टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं वो रूबिएसी फैमिली में पाए जाते हैं, तो रूबिएशियस स्टोमेटा कहलाते हैं ये। और इस तरह के स्टोमेटा में जनरली क्या होता है, जो दो स्टोमेटा जो दो नंबर होता है किसका, सब्सिडरी सेल का, जो जनरली सेल का नंबर होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं हमेशा। उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल होता है। पोर और गार्ड सेल के क्या रहेगा, हमेशा पैरेलल रहता है। तो इस तरह का एग्जांपल हमें सोलेनम और निकोटियाना में देखने को मिलता है। डायसिटिक में क्या है, दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा
ऑल्सो रेफर एज कैरियोफिलेशियस स्टोमेटा. तो कैरियोफिलेसी के जो मेंबर में स्टोमेटा पाए जाते हैं उन्हें हम कैरियोफिलेशियस टाइप का कहते हैं. डायसिटिक स्टोमेटा आर सराउंडेड जनरली बाय द पेयर्स ऑफ सब्सिडरी सेल एंड टू द 90 डिग्री ऑफ गार्ड सेल. तो देखिए इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं एक्चुअली ये पेयर्स जो इसमें सब्सिडरी सेल्स जो होती है वो पेयर्स में पाई जाती है जनरली और 90 डिग्री के एंगल पर होती है गार्ड सेल्स के. गार्ड सेल्स से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे पाई जाती है ये. एग्जाम्पल है देखिए म्यूजेसी फैमिली एकेंथेसी इनमें पाया जाता है ये. एक्टिनोसिटिक में क्या है इस टाइप के स्टोमेटा में क्या होता है कि फोर होते हैं नंबर में. सब्सिडरी सेल क्या होंगी फोर होंगी और ये सब्सिडरी सेल जो होती है रेडियल अरेंजमेंट होता है इनका. स्टोमेटा के सेंटर के चारों तरफ बिल्कुल गोलाई में रेडियल अरेंजमेंट होता है इनका. तो ये अरे कैसी में इसका एग्जाम्पल है. और साइक्लोसिटिक में जो एक साइकिल में अरेंज है देखिए दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा कंप्राइज ऑफ फोर और मोर सब्सिडरी सेल. तो इसमें स्टोमेटा के चारों तरफ जो सब्सिडरी सेल होती है इसमें क्या उनका नंबर ज्यादा होता है फोर या फोर से ज्यादा होता है और ये सेल्स जो होती है ये चारों तरफ एक रेडियली अरेंजमेंट रहता है एक रिंग बना लेती है नेरो रिंग. और एग्जाम्पल है पामी में. और ग्रेमिनेशियस यानी जो ग्रेमिनी पोइसी में जो पाए जाने वाले होते हैं तो ये कैसे होते हैं इनमें गार्ड सेल्स कैसी होती है डंबर शेप होती है आपको जैसे बताया था और एसेसरी सेल्स इसको चारों तरफ से कवर्ड किए रहती है. और जो एसेसरी सेल्स जो होती है वो हमेशा क्या रहती है जो स्टोमेटल पोर का जो एक्सिस है उसके हमेशा पैरेलल अरेंज रहती है. तो पैरेलल अरेंजमेंट पाया जाता है इनमें और ये ग्रामीणी में पाया जाता है इस तरह का. फंक्शन आप जानते ही हैं क्या फंक्शन है. एक तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्योंकि आपको पता है गैसेस एक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है. तो जब स्टोमेटा दिन के टाइम में ओपन होंगे तो उस समय क्या होगा सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है. और इनको क्या होता है एज वी नीड फ्यूल फॉर द कुकिंग ऑफ फूड प्लांट्स ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड एज फूड. तो ये देखिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है जैसे प्लांट्स को फूड की जरूरत होती है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक तरह का फ्यूल की तरह वर्क करता है. और स्टोमेटा प्ले एन एसेंशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है. और सबसे बेस्ट है कि ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू होता है वाटर का लॉस जो होता है वो इसके थ्रू ही होता है. तो स्टोमेटा ओपन और क्लोजेज एज पर इट वाटर नीड. तो जैसे वाटर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं. ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ द प्लांट सेल स्टोमेटा क्लोजर टू रिटेन द वाटर. तो अगर प्लांट सेल में डिहाइड्रेशन और वाटर की कमी है तो उस समय क्या रहेगा वाटर उस समय जो स्टोमेटा है वो क्लोज रहेंगे ताकि आप वाटर को क्या कर सकें स्टोर कर सकें उसका लॉस ना हो वहां पे. और व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ वाटर अगर इनका अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो उस समय क्या होता है कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है वेपर की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है जिसको आप क्या कहते हैं तो ट्रांसपिरेशन कहते हैं. तो इस तरह से स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा है किसी भी सेल की टर्जिटी को मेंटेन किया जा रहा है. तो स्टोमेटा एक तरह से प्लांट्स को क्या कर रहा है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. तो ये इसके फंक्शन हो गए. तो ये थे आज के दो टॉपिक स्टोमेटा एंड